आ जाएंगे। किराए कम करने चाहिए, किराए हाँ कम तो करनी चाहिए यार, हर तरफ महंगाई है, रेलवे में नहीं महंगाई देख कर महंगाई का पैसे बढ़ा दिए। आपने कहाँ जाना है? हमने रावलपिंडी जाना है। तो कौन सी ट्रेन की टिकट बुक कराने आए? तो ट्रेन के तो अभी टिकट बुक कराने आए, लेकिन यहाँ लाइन को देख के अभी हमारे ख्याल में हमारे को कुछ और फैसला चेंज करना पड़ेगा यार, क्योंकि ट्रेन की बुकिंग देखो आपके सामने रश इतनी ज़्यादा है और मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे को 20 तारीख तक भी टिकट मिले रावलपिंडी के। अभी क्या यूट्यूब सर्च में चैनल का नाम लिखे ट्रेन एडवेंचर्स, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन नाज़िर बनाएं ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स प्राप्त होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैन रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में और मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुसाफिरों का रश यहाँ पे लग गया है रिजर्वेशन करवाने के लिए। जैसे ही रेलवे ने अनाउंस किया कि अब ट्रेनें दोबारा से चला रहे हैं, 2 तारीख से आज 2 तारीख है और रहमान बाबा एक्सप्रेस और खैबर मिल एक्सप्रेस जो आज के दिन चल रही है, इसके बाद 5 तारीख से जो है घर घर में एक्सप्रेस पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस चलेंगी, तो फौरन ही मुसाफिरों का यहाँ पे रश लग गया और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं टिकट बुक कराने के लिए, लेकिन लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, किसी को टिकट मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही, किसी को परेशानी हो रही है, तो देखते हैं मजीद आगे क्या सूरत हाल है, आगे लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सब मौजूद हूँ कराची कैन रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में और यहाँ पे टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे लोग मुसाफिर आ रहे हैं टिकट बुकिंग करवा रहे हैं। कराची से पेशावर की जो ट्रेन है अभी बहाल हो चुकी है, इस वक्त रहमान बाबा एक्सप्रेस और खैबर मिल एक्सप्रेस जो है आज से 2 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 2 ट्रेनें फ़िलहाल बहाल हुई हैं, जबकि 5 तारीख से 3 मज़ीद 2 ट्रेनें बहाल हो रही हैं जो कराची से लाहौर जाएंगी, कराची एक्सप्रेस, करकरम एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस। इस वक्त मेरे साथ एक मौजूद है मुसाफिर जिन्होंने टिकट बुक करवाया है, अपने इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? तभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपने टिकट कहाँ का बुक करवाया? गुजरांवाले के लिए। गुजरांवाले के लिए जी, कौन सी ट्रेन का? ये अवाम एक्सप्रेस। अवाम एक्सप्रेस का टिकट का प्राइस क्या है? टिकट का प्राइस है 2200 रुपये। 2200 रुपये जी, मतलब टिकट बढ़ा दिए इन्होंने? हाँ, पहले 1600-1700 हुआ करता था, अभी मेरे ख्याल महीना पहले, अभी एक महीने के बाद इन्होंने और पैसे बढ़ा दिए। आप बाय रोड भी सफ़र करते हैं या सिर्फ रेलवे से सफ़र करते हैं? नहीं, रेल से सफ़र करते हैं। इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ट्रेनें बहाल हो तो हम उस पर जाएँ? ये इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से, कुछ मशवरा देना चाहें, कुछ तजवीज़ देना चाहें? भाई किराया तो खैर बस वाले बस से भी जाएँ वहाँ भी देना पड़ता है, किराया ट्रेन से, लेकिन ट्रेन टाइम पर पहुँचा दें बस, ये इतना गुजारिश है। टाइम पर आजकल जो टाइमिंग रेलवे ने अनाउंस की है वो तो 22 से 26 घंटे की अनाउंस की है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? मतलब कोई, चलो ये तो वक्ती तौर पर है, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह फ्यूचर में सही हो जाएंगे, सारे टाइमिंग बहाल हो जाएंगे, अपने टाइम पर आ जाएंगे। किराए कम करने चाहिए? किराए हाँ कम तो करनी चाहिए यार, हर तरफ महंगाई है, रेलवे में नहीं महंगाई देख कर महंगाई का पैसे बढ़ा दिए। तो चलते हैं मस्जिद आगे और मुसाफिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं एक और मुसाफिर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? अहमद अब्बासी। अहमद अब्बास साहब, आप आज टिकट बुक करवाने आए हैं? जी टिकट बुक कराने आए हैं और यहाँ आप देखो कि लाइन इतनी लंबी लगी है और अंदर जो है ना कोई काम नहीं हो रहा है, आप देखो यहाँ देखो आप बुजुर्ग खड़े हैं, बड़े औरतें खड़ी हैं, लेकिन यहाँ टिकट इतने महंगे हो गए, फिर उसके बाद लाइन इतनी लगी है, अभी हम लोग क्या करें? बिल्कुल, मुसाफिरों का एकदम रश आ गया है और मुसाफिर जैसे ही से लोगों को पता लग रहा है लोग आ रहे हैं टिकट बुक कराने के लिए, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। आपने कहाँ जाना है? हमने रावलपिंडी जाना है। रावलपिंडी जाना है, तो कौन सी ट्रेन की टिकट बुक कराने आए? तो ट्रेन के तो अभी टिकट बुक कराने आए, लेकिन यहाँ लाइन को देख के अभी हमारे ख्याल में हमारे को कुछ और फैसला चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ट्रेन की बुकिंग देखो आपके सामने रश इतनी ज़्यादा है और मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे को 20 तारीख तक भी टिकट मिले रावलपिंडी के। अभी क्या कह रहे हैं काउंटर पर? आपने बात की है काउंटर पर, बात की है, बोल रहे लाइन पर लगो, अब लाइन पर देखो 2 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं, लाइन पर ही लगे हुए हैं। देखो मैं सबसे पहले रेलवे वजीर साहब से ये अपील करता हूँ कि भाई इस चीज़ का नोटिस लो और यहाँ आके पहले देखो कि भाई आवाम कितनी जो है ना परेशानी में है,
यहाँ बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई सारे आए हुए हैं, हर बंदा परेशान है। इस चीज़ का सख्त नोटिस लें और ताकि जो है ना सबकी परेशानियाँ हल हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। मुसाफिरों की सहूलत के हवाले से भी कुछ काम करना चाहिए पाकिस्तान रेलवेज़ को। तो चलते मजीद आगे। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची कैन रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो रक्शे वाले हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं। मुसाफिरों को लाते ले जाते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें बंद होने की वजह से काफ़ी लोग जो है परेशान हुए, काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए, जिनमें ये भी शामिल है। इनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? तभी ठीक है, अल्लाह का करम सर। आप जो है माशाल्लाह जो कराची के जो रिक्शे वाले हैं या टैक्सी वाले हैं या जो भी हैं, वो मुसाफिर को लाने जाने का काम करते थे। कराची कैन रेलवे स्टेशन पर बेताशा रश हुआ करता था, लेकिन अब सन्नाटा है, हर तरफ सन्नाटा है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी एक सवारी ले कर आया हूँ यहाँ से, तो वापसी ले जानी है। पता नहीं अब टिकट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, आप टिकट बुक कराने के लिए किसी सवारी को लेकर आए हैं और टिकट बुक कराने आए हैं, वो टिकट मिले ना मिले, क्योंकि लोग तो अंदर काफ़ी परेशान है। टिकट हम देख रहे हैं कि लोग ले रहे हैं और लाइनों में लग के। तो वैसे मुसाफिरों के हवाले से कैसा है? आप लोग आते थे, आपको सवारी कोई ना कोई यहाँ से मिल जाया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है। रेलवे ट्रेन चलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनें तो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल करने का कायन हो रहे हैं। सही बात जी, पहले तो आते थे जल्दी सवारी मिल जाती थी, अभी खड़े होकर घंटा दो दो घंटे खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद ही जाके सवारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रेलवे ट्रेनें बंद होने से। मुसाफिर बड़े साथ साथ मुसाफिरों के साथ साथ दूसरे लोग भी काफ़ी परेशान हैं, खासकर स्टॉल्स वाले हो गए, कूली हजरात हो गए, जो जो इस रेलवे से वाबस्ता लोग हैं जिनकी चेन यहाँ से जुड़ी है, वो सब परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने जैसा मैं आपको दिखाया कि कराची के रेलवे स्टेशन पर जो सूरत हाल है ताज़ा, वहाँ पर लोग जो हैं बुकिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और टिकट्स महंगी होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और टिकट्स जो हैं मिल भी नहीं रही, क्योंकि ट्रेन लिमिटेड हैं और मुसाफिर ज़्यादा हैं। इस वजह से मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। टिकट जो है ऑन टाइम जो टाई है वो नहीं मिल रही। अभी से ये सूरत हाल है कि अभी अगर आप जाएँ कि हमको 5 तारीख की टिकट चाहिए या 6 तारीख की टिकट चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। वो 10-15 की आपको मिल रही है, 15 के बाद की भी है, क्योंकि मुसाफिर इतने रश लग गया है यहाँ पे। तो जिसको भी टिकट चाहिए, जो मुसाफिर करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप आएँ और टिकट अपने बुक करा लें इससे पहले कि टिकट्स ख़त्म हो जाएँ। तब तक के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई डिटेल के साथ, किसी नई लोकेशन पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, खुद अपना बोलो तो कुछ नहीं।